जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान बीजेपी नेता घर से घूमने के लिए निकला था लेकिन घर पर नहीं लौटा है, लेकिन अगले दिन सुबह संदिग्ध परिचय के दौरान शव को बरामद कर लिया है। और इस घटना के दौरान मौके पर ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है और कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र का है, जहां पर चिल्फी निवासी शत्रुघ्न साहू 45 वर्षीय गोंडखाई भाजपा मंडल के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का महामंत्री था। बताया जा रहा है कि वह घर से घूमने गया था लेकिन वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उसका कुछ पता नहीं चल पाया था और इसके बाद सोमवार सुबह पुलिस को ही इस घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सबकी पहचान करने के लिए, और वहीं आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने भाजपा नेता के दौरान इस घटना को अंजाम देने की बात बताई है। बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न पहले से ही अपराधी है और उसके खिलाफ चिल्की थाने में मामला दर्ज है। इस मामले में SDPO माथुर धीरे ने बताया कि मृतका का काफ़ी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और कुछ समय पहले ही उसके छोटे भाई के साथ घटना को अंजाम मिला, जिसके दौरान उसके खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।